गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स कॉलर गर्ल और मैं हूं आकांक्षा. सो गाइस इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू पॉन्ड्स विटामिन मिसलर वाटर. सो गाइस एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है. तो हमेशा हमने गार्नियर का मिसलर वाटर तो देखा ही है जिसके दो वेरियंट है, एक है वाटर बेस्ड और एक है ऑयल बेस्ड. तो गाइज मेरे पास जो है पॉन्ड्स ने तीन वेरियंट इसमें लॉन्च किए हैं, एक हाइड्रेटिंग एलोवेरा, दूसरा है रोज और तीसरा है चारकोल वाला. तो गाइज मैंने अपनी स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए मैंने एलोवेरा वाला वेरियंट इसमें से चूज किया है. और गाइज ये विटामिन इंक्लूडेड है इसमें, पूरी इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो इन्होंने पीछे मेंशन की है. और आपको ये 105 ml, मतलब आप 100 ml बोल सकते हैं, 100 ml जो आपको क्वांटिटी है वो 125 rupees में मिलती है. और इसके साथ साथ ये एक वाटर बेस्ड मिसलर वाटर है, ये ऑयल बेस्ड नहीं है. तो इसलिए ऑयली सेंसिटिव स्किन के लिए काफी सही होने वाला है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को ऑयल बेस्ड मिसलर वाटर से थोड़ा दूर रहना चाहिए, मेकअप रिमूवर से दूर रहना चाहिए. और ये क्लेम करता है कि आपके वाटर प्रूफ मेकअप को निकाल देगा, आपको इसके बाद फेस को धोने की जरूरत नहीं है और ये आपके फेस को हाइड्रेटेड भी रखेगा. तो क्योंकि ये क्लेम कर रहा है कि इसे यूज करने के बाद आपको फेस को धोने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेकअप के जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो सबको ये क्लेम कर रहा है, ये निकाल देता है. वाटर प्रूफ मेकअप भी ये निकाल देता है. तो चलिए सबसे पहले इसके पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं. सो गाइस इसके पैकेजिंग की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सी पैकेजिंग है, बट इसका जो कलर है वो मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगा. और इसके जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया वो पीछे मेंशन है, पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट इन्होंने मेंशन किया है. ये आपको 125 rupees में 100 ml प्रोडक्ट मिलता है जो कि काफी दिन चलेगा. डायरेक्शन टू यूज भी इस पर लिखा है जो कि मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी. तो बहुत ही ज्यादा क्यूट सी पैकेजिंग है. और अगर मैं इसकी बात करूं तो गाइस इस टाइप से इसकी ओपनिंग है, तो आपको इसमें से निकल जाएगा. एंड या दैट्स ऑल. और गाइज उसके साथ साथ ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है जो कि बहुत अच्छी बात है. ये क्लेम कर रहा है 99% आई मेकअप रिमूवल. तो ये नहीं बोल रहे कि 100% आपका आई मेकअप निकाल देंगे. और हाँ इसमें क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट मेंशन है, वो ये है कि आपको अवॉइड करना है इस वाले लिक्विड को, इस वाले मसलर वाटर को अपनी आंख में डालने से, मतलब जाने से आपको अवॉइड करना है. तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करें और आई मेकअप को रिमूव करने के लिए. तो चलिए अभी जो मैंने आईलाइनर लगाया वो एक वाटर प्रूफ स्मज प्रूफ आईलाइनर है जो है फ्रॉम ब्रांड बेला वॉस्टे. ये आईलाइनर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. ग्रीन कलर का आईलाइनर है जो कि ऑड नहीं लगता. मैं इसे डेली वेयर में यूज कर रही हूँ, अभी डिपार्टमेंट से आ रही हूँ. और मेरे लिप्स पे जो लिपस्टिक है ये भी एक वाटरप्रूफ लिपस्टिक है, बट ये एक क्रीमी मैट लिपस्टिक है. उसके बाद हम इसे टेस्ट करेंगे जो आपकी लिक्विड लिपस्टिक होती है, क्योंकि जनरली लिक्विड लिपस्टिक को रिमूव करने के लिए आपको जरूरत होती है ऑयल बेस्ड रिमूवर की. तो चलो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो आपको क्या करना है. वैसे मैं इसे पहले यूज कर चुकी हूँ तो ये फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो कहीं से भी नहीं है. इसकी जो स्मेल है बहुत ज्यादा माइल्ड है और एक सेकंड बाद कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये आपके फेस पे ना निकल जाएगी, मतलब बहुत देर तक आपको ये इरिटेट नहीं करेगी. तो आपको क्या करना है, एक कॉटन पैड लेना है, उस पे इसे इस तरीके से निकालना है, ठीक है. और उसके बाद आपको वाइप कर देना है. तो देखते हैं कि निकलता है या नहीं. या गाइस निकल तो रहा है, काफी अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी है ये देखिए गाइस. और आप देख रहे हैं ना दोनों आंखों में अंदर मेकअप निकल गया है, जबकि आपको पता है आई मेकअप निकालने के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, बट इसने इजीली निकाल दिया, बहुत मेहनत नहीं लगी है. लेकिन आपको एक दो बार इसे ऐसे करना होगा, वो भी इसीलिए क्योंकि यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल जब आप अपने आई मेकअप को रिमूव करें. ये देखिए गाइस सब आ गया है. या सो मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा. अभी लेकिन देखना यह है कि क्या ये आई मेकअप को, तो इसने स्मज प्रूफ वाटर प्रूफ लाइनर को तो इसने निकाल दिया है बहुत इजीली, क्या ये मेरे लिक्विड लिपस्टिक को निकाल सकता है. आह वाओ, एक स्वाइप में इसने पूरे लिपस्टिक को निकाल दिया, आपने देखा. और अभी अभी क्योंकि मैंने लिपस्टिक का रिव्यू किया था तो हैंड स्वेचेस भी है मेरे पास. और गाइज आपने देखा ये कितना कम प्रोडक्ट भी लगा, पूरी लिपस्टिक मेरे कॉटन पैड पे आ गई है, क्योंकि ये कॉटन पैड थोड़ा गंदा हो गया था. तो ये देखिए गाइस अच्छा है. ये जो पॉन्ड्स का मिसलर वाटर है मुझे ये काफी सही लग रहा है. और ये क्लेम भी कर रहा है कि आपको इसे ना धोने की भी जरूरत नहीं है. तो अगर आप ट्रेन व्रेन में सफर कर रहे हो और ट्रेन का पानी, और अगर आपको उठ के जाने का मन नहीं है तो आप इसे यूज कर सकते हैं. तो मुझे ये अच्छा लगा. और इसमें तीन वेरिएंट है, जो भी आपको अच्छा लगे वो वेरिएंट ले सकते हैं. स्मेल नहीं है, अफोर्डेबल है, काफी दिन चलेगा. और दिवाली भी आ रही है ना, तो दिवाली पे आपको मेकअप करने के साथ साथ एक मेकअप रिमूवर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है. तो चलिए अब बढ़ते हैं लिक्विड लिपस्टिक के टेस्ट की तरफ.
सो गाइज लिक्विड लिपस्टिक के टेस्ट के लिए मैं ले रही हूँ माई ग्लैम का लिट कलेक्शन वाली लिक्विड लिपस्टिक. और ये वाली जो लिक्विड लिपस्टिक है ना, ये जनरली ऑयल बेस्ड जो आपका मेकअप रिमूवर होता है ना, उसी से निकलती है. तो देखते हैं कि क्या ये निकलती है या नहीं निकलती है. सो गाइज मैंने इसे ले लिया अपने हाथ पे और मैंने जानबूझ के थोड़ा सा डीप कलर लिया है, क्योंकि डीप कलर को निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है. तो अभी मैं थोड़ी सी वेट करूंगी कुछ सेकंड, जब तक ये सेटल नहीं हो जाती है, उसके बाद देखते हैं कि कितना काम करता है. उसके साथ साथ मैं ना आपको कुछ बताना चाहती हूँ. तो दिवाली आ रही है गाइस, तो दिवाली पे मेकअप करना तो बनता ही है. तो मेकअप करने की वजह से ना, क्योंकि मेकअप करना बनता है, इसलिए मैं बैक टू बैक बहुत सारी ना मेकअप रिव्यू वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें आपके एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी होंगे, लिटिल बिट एक्सपेंसिव, और इसमें अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी होंगे. तो गाइस अगर आप सिंगल भी हो, अगर आप मैरिड हो, अगर आप सिंगल नहीं हो, अगर आप कमिटेड हो, कोई भी हो, दिवाली जो एक फेस्टिवल है ना, वो सारी कैटेगरी के लोगों के लिए है. तो यार मेकअप करना तो बनता ही है. मेकअप कर रहे हो तो रात में आके मेकअप रिमूव करना भी बनता ही है. तो इसीलिए मैं ये पॉन्ड्स मिसेलर वाटर का रिव्यू कर रही हूँ. तो चलो मेरी बकबक में ये जो लिपस्टिक है ना, ये सेटल हो गई. तो आप देख लेते हैं कि कितना प्रोडक्ट लगता है और क्या ये मिसेलर वाटर और ऑयल बेस्ड से, जो मेरी अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि ये जो लिक्विड लिपस्टिक है ना, वो ऑयल बेस्ड रिमूवर से जाती है. तो देखते हैं कि ये इससे जाती है कि नहीं जाती है. ओह वाओ, ये चली गई है इससे, बट बहुत इजीली नहीं. ओके नहीं गाइस, ये इतना इजीली नहीं जा रही है, आप देख रहे हैं ना. तो आई गेस इससे लिक्विड लिपस्टिक नहीं जाएंगी गाइस. ओके सो गाइज आपको लिक्विड लिपस्टिक को रिमूव करने के लिए या तो आपको अपना कोई फेशियल ऑयल यूज करना पड़ेगा, या फिर आपको गार्नियर का जो ऑयल बेस्ड, नहीं गाइज नहीं जा रही है, पूरा इसने फैला दिया है. मतलब जा सकती है, आपको बहुत ज्यादा घिसना पड़ेगा, उसके बाद ही ये जाएगी. ये देखिए मेरे हाथ की क्या हालत हो गई. बट एनीवे ये मिसेलर वाटर आप बिना, मतलब आप बाकी सारे मेकअप के लिए यूज कर सकते हैं. आपके आई मेकअप को रिमूव कर देगा, क्रीमी मैट लिपस्टिक को रिमूव कर देगा. लेकिन हाँ गाइज, जो आपकी लिक्विड मैट लिपस्टिक होती है ना, उसे रिमूव करने के लिए आपको एक्चुअल में एक ऑयल बेस्ड रिमूवर की जरूरत पड़ेगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि ये वीडियो आपकी दिवाली के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. सी यू, बाय बाय.